बिहार में नीतीश कुमार की सरकार भले ही पूर्ण शराबबंदी को लागू करने की बात कहती रही हो, मगर समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिससे सरकार की शराबबंदी कानून को लेकर विफलता जाहिर होती रही है। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आई है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब के तस्करों के पैर कितनी मजबूती से जमे हुए हैं। वहीं पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के खानकी मोड़ के समीप ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक में लोड 500 कार्टून शराब को बरामद किया है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की घेराबंदी देख चालक दूर से ही ट्रक से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ट्रक को अपने कब्जे में लेके मामले की छानबीन कर रही है। अगमकुआं थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि 500 कार्टून शराब है उस ट्रक में। गुप्त सूचना मिली थी तो हम लोग धनकी मोड़ पे छापामारी किए तो वहीं से ट्रक से सारा बरामद हो गया। क्या माल ट्रक से आ रहा था या किसी गोदाम में छापेमारी की गई थी? नहीं नहीं, सड़क से बरामद की गई। तो किस तरह मतलब वाहन किधर से आ रहा था? कितना माल इस पर लदा हुआ है? 500 कार्टून है। क्या लगता है कितने का माल होगा ये? अब तो आकलन करके पता चलेगा, अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। इसमें किसी गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं। किनका माल है अभी पता नहीं चल पा रहा, हम लोग देखेंगे, अनुसंधान में पता चलेगा। ट्रक में तलाशी के दौरान पाया गया कि पूरा ट्रक शराब से भरा हुआ है। यह शराब किसकी है इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया। पुलिस मामले की छानबीन में लगी है। पटना ब्यूरो से उज्मा शाहीन की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।